नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स फैशन पे वेलकम है। इधर मैं कंटिन्यूस जो एक सीरीज लेके चली हूँ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशियोलॉजी के रेस्पेक्ट में, तो उसी के क्रम में ये कंटिन्यूस वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। अभी मैं वेस्टर्न थिंकर्स की तरफ नहीं जाऊँगी। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि मैम प्लीज़ आप स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा वीडियो बनाइए, बट स्टैटिस्टिकल जो टॉपिक है उस पर अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, पर मैं थोड़ा सा भी इंडियन सोशियोलॉजी को कवर कर रही हूँ। तो इंडियन सोशियोलॉजी में आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखा कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं इंडियन सोशियोलॉजी को के स्टडी को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ा, हम लोगों ने मतलब एक जिस्ट पढ़ा कि एक शॉर्ट में पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, व्हाट आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखे। बट नाउ टुडे द लेक्चर इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पूरा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सपेक्टिव एंड सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पर्सपेक्टिव में हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं। और इसके जो फॉलोवर हैं बहुत सारे नाम हैं, बट मेनली हम लोग जी एस घूरिए और लुइस ड्यूमोंट को हम देखते हैं कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये दोनों थिंकर्स को हम पढ़ते हैं। बट ये थिंकर्स के भी ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अभी मैं पर्सपेक्टिव और क्या डिबेट चला कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर के कि भारत में समाजशास्त्र की दिशा और दशा क्या तय होनी चाहिए, भारत में समाजशास्त्र को हम किस तरह से पढ़े और पढ़ाए, क्या तीन टॉपिक चलते हैं सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। तो इस पर भी मैं अगला कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी मैं लेके आऊँगी वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। तो मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का दोबारा से स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल पे, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें पिछले जब पर्सपेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के एक शॉर्ट में देखा था कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, बट इस यहाँ पर हम लोग इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में समझेंगे। फिर बेसिक एजम्पशंस क्या है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के, मान्यताएँ क्या हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक समरी देखेंगे, फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडोलॉजी देखेंगे एंड लिमिटेशंस पे भी हम लोग बात करेंगे कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बेसिकली लिमिटेशंस क्या हैं, उसको भी देखना हमें ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना समझना ज़रूरी रहता है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसको आपको पता है कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम क्या कहते हैं, भारत विद्या अभिगम, हिंदी में भारत विद्या अभिगम हम कहते हैं इस पर्सपेक्टिव को, इस दृष्टिकोण को। मतलब समाज को समझने के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण आए, पर अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग विचारकों ने समाज को समझा। भारतीय, अब मैं भारतीय समाज की बात कर रही हूँ, तो उसमें एक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रही। तो अनेक परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को समझने हेतु आए, बहुत सारे आए, और उसमें कौन कौन से मैं फिर एक रिकॉल आपको करा दे रही हूँ। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आया, ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फिर हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा, जिसको कि हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है। फिर एथनो सोशियोलॉजी भी एक पर्सपेक्टिव है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। जो मेन है उसी में एक पर्सपेक्टिव है इंडोलॉजी, तो इसी इंडोलॉजी को हमें समझना है। तो भारत समाज के विश्लेषण में भारतीय धर्म ग्रंथों एवं वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के महत्व को स्वीकार करते हैं। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव किस पे ज़्यादा प्रेशर करता है, इंडियन स्क्रिप्चर्स पे एंड लीगल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे, जो भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, अभी मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी इतना समझिए कि जो भारत से जुड़े धर्म ग्रंथ थे और भारत के जो वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेख थे, लीगल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे,
इनके स्टडी को ही प्रेशराइज्ड करता है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि अगर हमें भारत को समझना है, भारत के अगर समाज को समझना है और अगर आज के समाज को समझना है तो भी हमें इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। अगर हम मूल में नहीं गए, आप अगर आपको कोई चीज़ जानना है, ठीक है, तो आप मूल में जाने की कोशिश करते हैं ना, वी गो टू डीपर एंड डीपर इनसाइड, हम अंदर 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 तह पे तह जाते हैं और तब उस चीज़ के रीजंस को निकाल करके सामने लाते हैं। तो यही एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का भी मानना है कि इफ़ वी वांट टू स्टडी द कंटेम्पररी सोसाइटी ऑफ इंडिया, इफ़ वी वांट टू स्टडी, देन वी हैव टू मूव बैक, हमें बैक की तरफ जाना होगा एंड वी हैव टू स्टडी आवर स्क्रिप्चर्स, आवर लीगल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, आवर टेक्स्ट विच वॉज बेस्ड ऑन आवर एंशियंट और प्रिमिटिव और मॉडर्न और मेडिवल सोसाइटी, तब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें जो निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं। तो इसीलिए हम इसको पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्टुअल, इसको हम टेक्स्टुअल परिप्रेक्ष्य, टेक्स्टुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्स्टुअल पर्सपेक्टिव, पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, क्योंकि हम उस समय के पुस्तकों पर जा करके तब हम उन पुस्तकों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और इसको किसी भी प्रकार के क्षेत्र कार्य को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, तथा केवल उस समाज के संबंधित शास्त्रीय ग्रंथों एवं संग्रहित सामग्री का ही विश्लेषण माना जाता है कि ये टेक्स्टुअल पर्सपेक्टिव है और ये फील्ड वर्क को रिजेक्ट करता है। याद रखिएगा कि जो एम्पिरिकल स्टडी होती है, ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी किस पे बेस्ड होती है, फील्ड वर्क पे होती है, कि अगर हमको किसी स्टडी को, किसी भी मैटर को जानना है तो हमें फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है, हमें उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जाना होगा और वहाँ जा कर के हमें अध्ययन करना होगा, ये एम्पिरिकल स्टडी या फील्ड वर्क कहलाता है, ठीक है। पर जो इंडोलॉजी होता है ये फील्ड वर्क को नकार देता है। फील्ड वर्क हम कैसे करेंगे, हम क्या आज से जा कर के 3000 साल पहले के समाज में तो कैसे जाएंगे, हमें तो पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा ना, तभी तो हम जा पाएंगे, तभी तो हम अब हम 2000 साल पहले या 1000 साल पहले या 500 साल पहले के समाज में जा तो नहीं पाएंगे, वहाँ पर तो फील्ड स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फील्ड स्टडी करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, चेंजिंग सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब वो चेंज सोसाइटी में हमें चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, नहीं मिल पाएंगी, उसके लिए हमें टेक्स्ट की कहाँ सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इंडोलॉजी को हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, भारत के समाज का विज्ञान है ये, कि भारत के जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो विज्ञान है उसे जो समझे वो इंडोलॉजी कहलाता है। एंड इट अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी थ्रू द कंसेप्ट, थ्योरीज, फ्रेमवर्क दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडियन सिविलाइजेशन, जो भी भारतीय सभ्यता से जुड़ी जो भी हमारे कंसेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरीज बिल्डअप की गई हैं, जो भी ढांचा बिल्डअप किया गया है, फ्रेमवर्क्स जो डेवलप हुए हैं, उनको हम समझेंगे तभी वो एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसका कंसेप्ट अब समझ रहे होंगे अच्छे से। तो एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इतना आप समझते चलिए, आगे हम बताते हैं कि इट मेड अ क्लेम दैट इंडियन सोसाइटी इज़ यूनिक। अब ये दावा क्या करता है, ठीक है, ये क्लेम क्या करता है, कौन, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्लेम क्या करता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो अपने आप में बड़ी यूनिक सोसाइटी है, ठीक है, हम मानते हैं, आज भी हम इंडियन सोसाइटी को स्टिल वी कंसिडर आवर सोसाइटी एज अ यूनिक सोसाइटी। वाई, बिकॉज दे हेयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप एक मेरा वीडियो है ऑलरेडी उस पर इंडियन सिविलाइजेशन पे, ठीक है, मतलब कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें मैंने पुरुषार्थ चीज़ व्यवस्था को बताया, आश्रम व्यवस्था को बताया है, उसमें मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बताया है, किस तरह से हमारा समाज एक लंबा समाज है, टॉलरेंस किस तरह से हमारे सोसाइटी में, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने बताया है। तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इंडियन सोसाइटी जो है वो एक यूनिटी, एक यूनिक सोसाइटी बन के निकलती है।
ठीक है। अब इस यूनिक सोसाइटी का स्टडी कैसे होना चाहिए? क्या जो वेस्टर्न की थ्योरीज आई उसके आधार पे हम इंडियन सोसाइटी का स्टडी कर ले? यही तो डिबेट है, यहीं पर डिबेट है। आप जब कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जो मैं अगला वीडियो देने वाली हूँ, उसमें आप इसी डिबेट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे डिबेट क्या, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आने के पीछे डिबेट क्या। डिबेट यहीं पर आता है, इसी पॉइंट पे डिबेट आता है कि एज इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी यूनिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स। वाई यूनिक? बिकॉज हेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक। हेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आश्रम व्यवस्था, हेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पुरुषार्थ, हेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस पॉलिसी। बहुत सारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसे दूसरे समाजों से, अन्य समाजों से अलग करती हैं। तो अब इस अलग सोसाइटी का, इस पर्टिकुलर यूनिक सोसाइटी का स्टडी कैसे होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर यहाँ के समाज का हमें अध्ययन करना है, तो यहाँ के समाज के लिए कि हमें अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करनी होगी, एक अलग परिप्रेक्ष्य अपना डेवलप करना होगा। हम वेस्टर्न के जो पर्सपेक्टिव हैं उसके आधार पर हम इंडियन सोसाइटी का स्टडी कर ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एंडोलॉजिस्ट। एंडोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं क्योंकि दोनों समाजों में, यूरोपियन समाज हो चाहे पश्चिमी समाज हो, और आप भारतीय समाज की तुलना आपस में नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है कि व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस, किन धारणाओं, किन मान्यताओं पर ये एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चलता है? मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में बनाई हूँ कि द स्टडी ऑफ एनी सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला है कि बिना किसी ऐतिहासिक आधार को समझे हम क्या किसी समाज को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी परिवार का अध्ययन करना होगा, ठीक है, कि कोई भी एक सिंपल सी यूनिट हम लेते हैं फैमिली, अगर हमें फैमिली का स्टडी करना होगा तो हमें उस फैमिली के पीछे भी जाना होगा कि इस परिवार का इतिहास क्या रहा है। आप देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपसे अगर शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक हो जाते हैं, तो पूछा जाता है ना कि क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ था, क्या आपके घर में ऐसी चीज़ें, किसी को समस्या थी, वो इतिहास जानने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर हमको भारतीय समाज को समझना होगा तो वी ऑल्सो नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमें उसके ऐतिहासिक जो पक्ष है उसको जानने की कोशिश करना होगा। ऐसा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की पहली अवधारणा है, पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता क्या है कि उस समाज के जो धर्म ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेख हैं, ठीक है, इसको ही समझना हमें ज़रूरी है। थोड़ा सा इधर खोच पोच हो गया है, तो हमें रिलीजियस टेक्स्ट को जानना ज़रूरी है, हमें उस समाज के एपिक्स को जानना ज़रूरी है, हमें उस समाज के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को जानना ज़रूरी है, ठीक है, समझ में आ गया। जो भी रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं, चाहे वो हिंदू सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो जैन धर्म से रिलेटेड हो, चाहे इस्लाम धर्म से रिलेटेड हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, तो उस समाज के हमें रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है, हमें उस समाज के एपिक्स जो हैं उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, और साथ में जो हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जानना ज़रूरी है। तो सेकेंड अवधारणा ये कहता है, पहला क्या कहता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और वो बाइफर्केशन कर दे रहा है, क्या कह रहा है कि उन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में हमें रिलीजियस टेक्स्ट को, हमें एपिक्स को, हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को जानना ज़रूरी है। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है कि जो धर्म ग्रंथ, महाकाव्य और वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेख में वर्णित सामग्री है, वो उसी समाज के आदर्श को प्रस्तुत करती है, कि जो भी उस टाइम के ये सारे चीज़ें थी, रिलीजियस टेक्स्ट थे, एपिक्स थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स थे, वो उसी समाज के दर्श, उसी समाज का आईना दिखाती है, क्योंकि वो जब लिखा गया था तो वो उसी समाज, आज आप देख लीजिए, हमेशा जो लेखनी होती है वो समाज का सबसे बड़ा आईना होती है। आज के आप प्रेमचंद के समय की लेखनी देख लीजिए तो आप उस समय के समाज की स्थिति को जान जाएंगे। आप जयशंकर प्रसाद की लेखनी को देख लीजिए, आप उस समय के समाज को देख जान जाएंगे। आज के आप जो लेखक हैं उनकी लेखनी को देख लीजिए, आप उस समय के समाज को जान जाएंगे। उसी तरह से अगर हमको अपने एंशिएंट इंडिया को जानना है या आज के भी समाज को जानना है, तो उसके मूल में जा करके उस समाज के समय में जो धर्म ग्रंथ लिखे गए,
जो एपिक्स लिखे गए, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, वो उस समय के समाज का सही चित्रण करते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस भी है, मैं आगे चल करके बताऊंगी, अगर आपके माइंड में कुछ उठ रहा है तो मैं उससे भी अभी शांत करूंगी। चौथा जो एजम्पशंस हैं, जो धारणा है वो क्या है कि जो कंटेम्प्ररी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, बिलीव्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, कैन बी अंडरस्टूड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल फिलोसफी एंड डिपिक्शंस, कि जो पुराने समय में जो चिंतन के आधार बने, ठीक है, जो हमारे परंपरागत दर्शन है, फिलोसफी है जो हमारी, वो हमें सही हमारी मान्यताओं के बारे में बताएंगे, हमारे मूल्यों के बारे में बताएंगे, हमारे समाज के प्रतिमानों के बारे में बताएंगे। ये फील्ड बेस्ड और एम्पिरिकल स्टडीज को नकारता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें फील्ड बेस्ड स्टडी नहीं होती है। पांचवा एजम्पशंस क्या है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी सोसाइटी इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू दोज प्रिमिलरी फैक्टर्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू देयर डेवलपमेंट। अगर हमें किसी सोसाइटी को जानना जरूरी है, मान लीजिए आज के ही हमें सोसाइटी को, आज कंटेम्पररी सोसाइटी को अगर हमें जानना जरूरी है, तो हमें इसके मूल में जाने की जरूरत है। ये सोसाइटी का इमर्जेंस कैसे हुआ उससे जानने की जरूरत है। आप डर्काइम का अगर रिलीजियस, वो तो ऐसे इंडोलॉजी में, चूंकि ये साइंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है, पर फिर भी एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि धर्म को, उन्होंने धर्म को जानना समझा तो धर्म की उत्पत्ति को देखा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके मूल में जाने की कोशिश की, और तब जाकर के जैसे ल्यू ड्यूमा जो एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के फॉलोवर हैं, उन्होंने कास्ट पे स्टडी की, तो उन्होंने कास्ट के जो मूल में छिपे जो तत्व हैं उनको जानने की कोशिश की कि आखिर जाति का उद्भव कैसे हुआ, क्या ऐसे कारण हैं जो जाति के उद्भव के पीछे उत्तरदायी हैं, और आज भी जाति व्यवस्था कैसे चली आ रही है, तो हमें उनके विकास के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसको जानना हमें जरूरी है। पांचवा एजम्पशंस ये कहता है। तो अगर हम लोग समरी देखें तो इंडोलॉजी बेस्ड ऑन किस किस चीज़ पे इंडोलॉजी बेस्ड होता है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल रिलीजियस जो टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट में वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, स्मृति, ये सारे जो हैं वो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको हमें पढ़ना जरूरी होगा। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अकबर द्वारा रचित आईने अकबरी, इनको देखने की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से लिटरेरी वर्क अगर हम देखें कि कौन से लिटरेरी वर्क हैं, तो जो ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए उनके राइटिंग्स को देखने की ज़रूरत है, जैसे मेगस्थनीज आए, फारियान आए, ये लोग आए जो, और जो राजाओं द्वारा रचित जो किताबें हैं उनको देखने की ज़रूरत है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी तलाशने की ज़रूरत है, जो पुरातत्व से निकले जो प्रमाण है हमारे पास उनको भी तलाशने की ज़रूरत है। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ये आधार हैं। आप समरी अगर इस शार्ट को भी समझ गए तो आप समझ जाएंगे इंडोलॉजी को, इसलिए मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाने की कोशिश की है कि ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, लिटरेरी वर्क्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंडोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इंडोलॉजी, आप जानते हैं ना कि समाज तो परिवर्तनशील रहा है, तो हर परिप्रेक्ष्य में भी परिवर्तन आए होंगे, एक ही परिप्रेक्ष्य एक ही तरह से चले दैट इज नॉट पॉसिबल, देयर इज ऑलवेज बीन चेंज इन एवरी पर्सपेक्टिव टू। कैसे, इंडोलॉजी में जब नया नया इंडोलॉजी बना तो क्लासिकल एंडोलॉजी कहलाया, बाद में जब उसमें चेंजेस आए तो वो मॉडर्न एंडोलॉजी कहलाया। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्लासिकल एंडोलॉजी है, किस तरह से मॉडर्न एंडोलॉजी है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपको वॉइस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मेरे भाई वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो सारी चीज़ बताना तो ज़रूरी रहता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, प्लीज़ इसको आज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा इस वीडियो में। अब मैं पढ़ा रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोलॉजी, कि एंडोलॉजी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो जो क्लासिकल एंडोलॉजी है
वो क्या होता है, 1920 के पहले तक, ठीक है, 1920s के पहले तक जो आया वो हम क्लासिकल एंडोलॉजी में कहते हैं कि प्रिविलेंट, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, PRE, ठीक है, प्रिविलेंट बिफोर 1920s इन वर्क ऑफ ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल। देखिए क्या होता है, अब थोड़ा सा यहाँ समझ जाइए, जब आप कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको भारत में रूल करना है। भारत में वो रूल कैसे करेंगे, जब वो इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को जब वो समझेंगे तभी तो रूल करेंगे ना, उनको भारतीय समाज को समझने की ज़रूरत है। अब इसी पे बात होती है कि भारतीय समाज को समझा कैसे जाए, क्या भारतीय समाज को समझने के लिए यहीं का परिप्रेक्ष्य निर्मित किया जाए या वेस्टर्न या यूरोपियन जो सोसाइटी है उसके पर्सपेक्टिव को लाने की ज़रूरत है। तो भारतीय समाज को समझने के लिए जब रिफर्स एज अ प्योर बुक रिव्यू, इस पर्सपेक्टिव उन्होंने डेवलप किया इसको, प्योर बुक रिव्यू पर्सपेक्टिव, मतलब कि पूरी तरह से किताबों को जांच पड़ताल की जाए, वही जो जैसे रिलीजियस टेक्स्ट हुए, हमारे एपिक्स हुए, हमारे धर्म ग्रंथ हुए, हमारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हुआ, तो इसलिए इसको प्योर बुक व्यू नाम दिया गया इस पर्सपेक्टिव को। एंड इनिशियल एम्फेसिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, और सबसे पहले उनका फोकस क्या किया गया कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो ज़्यादातर किस भाषा में लिखे थे, संस्कृत में लिखे गए थे। तो उनका पहले मकसद था कि इसको ट्रांसलेशन किया जाए, किस में किया जाए, इंग्लिश में किया जाए, हिंदी में किया जाए, या जो भी और लैंग्वेजेस को वो जानते थे उसमें उनका ट्रांसलेशन किया जाए ताकि वो उस समय के समाज को समझ सके, संस्कृत तो वो समझ नहीं पाते थे। तो इसी में आप देखिए तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, आप नाम इतिहास में पढ़े हैं, हिस्ट्री में आप इसको पढ़े हैं कि विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1787 में। मैक्स मुलर की एक किताब आती है सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट 1879 में, इसमें इन्होंने वेद को और जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ थे भारत के उसको ट्रांसलेट किया है। हेनरी मेन्स की बुक है एंशियंट लॉ जो कि 1861 में आती है, इसमें उन्होंने विलेज कम्युनिटीज़ इन ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में क्या कौन कौन सी विलेज कम्युनिटीज़ थी, किस तरह से काम करती थी, ये सारे शुरू हुए। और जो इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट होते थे, इनिशियल जो एंडोलॉजिस्ट होते थे, मतलब इनिशियल मतलब 1920 के पहले जो एंडोलॉजिस्ट हुए, या तो वो वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए या तो कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिसर्स हुए, यही दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए मतलब वहाँ से आए, वेस्टर्न सोसाइटी से आए और उन्होंने इंडिया की स्टडी की, या तो दूसरे क्या होते थे कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो ब्रिटिश के यहाँ पर ऑफिसर नियुक्त किए जाते थे भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए, या तो जैसे कि जेम्स प्रिंसप ने जो इन्होंने काशी का मैप सबसे पहले बनाया, तो जेम्स प्रिंसप भी कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए। तो मैंने तो एक का नाम दिया उसी तरह से, तो याद रखिएगा कि जो इनिशियल एंडोलॉजिस्ट थे वो भी भारत के नहीं थे, वो या तो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे या भारत में नियुक्त हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। धीरे धीरे फिर इंडियन इंडोलॉजिकल स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए बहुत सारे, इस मतलब इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आधार पे बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश हुए, जैसे यहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ, आप एनी बेसेंट का नाम सुनते हैं 1886 में, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैसूर 1891 में, फिर है भंडारकर इंस्टीट्यूट इन पुणे 1917 में, बंगाल स्कूल ऑफ इंडोलॉजी, कैलकटा स्कूल ऑफ इंडोलॉजी जिसको कहा जाता है, ये 1869 में इस्टेब्लिश होता है, किस लिए इस्टेब्लिश होता है, टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोशियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड इंडियन स्कॉलर्स। अब जब धीरे धीरे और एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आगे बढ़ता है, अभी तक तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी का स्टडी किया, अब धीरे धीरे इंडियन थिंकर्स भी आते हैं, पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में अंतर होता है, दोनों के सोच में, दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस दिखता है। कैसा दिखता है कि वेस्टर्न थिंकर्स ने इंडियन सोसाइटी को किस रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है लैंड ऑफ विलेजेस है, सेल्फ सफिशियंट है,
आइसोलेटेड है, स्टैटिक है, मतलब ये स्थिर समाज है, गतिशील समाज नहीं है, ऑर्थोडॉक्स है। कास्ट सिस्टम वॉज कंसिडर्ड एज क्लोज एंड सिंबल ऑफ फ्यूडल। जो कास्ट सिस्टम है वही यहाँ पर बहुत प्रभावी रूप से है और यही सामंतवादी व्यवस्था के जड़ में भी है। पर इंडियन स्कॉलर्स जो थे वो इंडिया को अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कैसे करते हैं? हाईलाइटेड ग्रेटनेस एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इन्होंने भारतीय समाज के ग्रेटनेस को बताया। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि इंडियन सोसाइटी के अगर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पुरुषार्थ व्यवस्था पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे, तो इनको बहुत ग्रेटनेस, महान संस्थाओं का नाम दिया गया। तो ये इंडियन स्कॉलर्स ने इंडियन सोसाइटी को इस रूप में बनाया। तो वेस्टर्न थिंकर्स के थिंकिंग में और इंडियन जो थिंकर्स हैं उनके थिंकिंग में अंतर हमें दिखाई देता है। कब अंतर दिखाई देता है? क्लासिकल इंडोलॉजी के दौरान। अब धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है और अब मॉडर्न इंडोलॉजी आता है। 1920 के बाद का जो दौर है वो मॉडर्न इंडोलॉजी के बीच में आता है। तो क्लासिकल इंडोलॉजी वॉज मॉडिफाइड बाई कंबाइनिंग इट विथ वेरियस सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव। अब जो क्लासिकल इंडोलॉजी है उसमें हम और सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऐड कर देते हैं। और सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव क्या कि स्टिल वी हैव हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, वी हैव स्ट्रक्चरल फंक्शनल परस्पेक्टिव, वी हैव कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव और मार्क्सियन परस्पेक्टिव, वी हैव एथनो सोशियोलॉजी परस्पेक्टिव, बहुत सारे हमारे पास परस्पेक्टिव है। अब इन परस्पेक्टिव को जोड़ दिया गया इंडोलॉजी से। ठीक है, देखिए कैसे मॉडर्न बना। तो इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव को इन सारे परस्पेक्टिव के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो जो बनता है वो बन जाता है मॉडर्न इंडोलॉजी। और मॉडर्न इंडोलॉजी के फादर में हम मेनली G.S. घूरिए को लेते हैं। तो G.S. घूरिए भी आपको इंडोलॉजी में पढ़ना है। तो एक एक करके मैं G.S. घूरिए, एम एन श्रीनिवास, A.S. देसाई, इन सबको भी पढ़ाऊंगी। तो G.S. घूरिए का कंट्रीब्यूशन थोड़ा देख लिया जाए कि तो इन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। आपको पता है कि ये मुंबई स्कूल्स ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इस्टेब्लिश किया। और इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी जो मैंने अभी बताया कि क्लासिकल एंडोलॉजिकल मेथोडोलॉजी को तो लेके चलेंगे ही, साथ में इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को भी शामिल कर लिया। उसी तरह अगर हम राधा कमल मुखर्जी को देखें जो कि लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने इनका भी अप्रोच था क्लासिकल एंडोलॉजिकल अप्रोच, साथ में इन्होंने एम्पिरिकल सोशियोलॉजी को भी ऐड कर लिया। बल्कि एम्पिरिकल सोशियोलॉजी जो प्योर क्लासिकल इंडोलॉजी है उसमें शामिल नहीं होती है, पर मॉडर्न इंडोलॉजी में ये शामिल हो जाती है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। डीपी मुखर्जी जो हैं इन्होंने क्लासिकल इंडोलॉजी को अप्रोच को तो शामिल किया, साथ में मार्क्सोलॉजिकल अप्रोच को भी, मतलब कन्फ्लिक्ट अप्रोच, इसको कन्फ्लिक्ट अप्रोच भी कहेंगे, कन्फ्लिक्ट अप्रोच को भी इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। तो जो मॉडर्न इंडोलॉजी है ये जो वेस्टर्न थिंकर्स हमारे इंडिया को ऑर्थोडॉक्स पिक्चर प्रस्तुत किए थे उसका मॉडर्न इंडोलॉजी क्रिटिसाइज करता है और यहाँ पर बताता है कि विलेज आर नॉट आइसोलेटेड बॉडी एंड नॉट स्टैटिक्स नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, फिर बताते हैं विलेज का अलग रूप प्रस्तुत करते हैं अपने अपने अलग अलग स्टडी से। जब आप इन थिंकर को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये तो आपने सब पढ़ा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज मूविंग टू क्लासिकल इंडोलॉजीज टू मॉडर्न इंडोलॉजी। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं कि हर पर्सपेक्टिव के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं। पहला लिमिटेशंस क्या है, चूंकि ये टेक्स्टुअल पर्सपेक्टिव भी है, ये टेक्स्ट पे ज़्यादा डिपेंड करता है और जो टेक्स्ट है और एम्पिरिकल रियलिटी है दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, किताबों में ज्ञान, और कहा जाता है ना कि किताबों के ज्ञान पे आप सिर्फ मत जाइए, आप खुद समाज में उतर के देखिए कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई। कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेट। ऐसा कहा जाता है ना कि जो हमारा इतिहास है वो कुलीनों की कब्रगाह है, मतलब उसमें जो छोटा तबका था उसका कहीं विश्लेषण नहीं हुआ है, सिर्फ राजा महाराजाओं का उसमें चर्चा हुआ है, ऐसा हमारे इतिहास को कहा जाता है। तो अगर हमको टेक्स्ट के ही भरोसे पे चलना रहेगा तो हो सकता है कि जो हमें डेटा मिले, जो हमें फैक्ट मिले वो अलग मिले, वो सही ना मिले। ज़रूरी नहीं कि वो उस समय के समाज का सही आईना दिखाता हो। तो पहला लिमिटेशन यही है कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट लेड टू इंक्वायरी द एम्पिरिकल रियलिटीज प्रेजेंट इन द सोसाइटी।
नेक्स्ट है कि इंडोलॉजी बेस्ड ऑन द बुक व्यू, मैंने आपको बताया कि ये प्योर बुक व्यू पे डिपेंड करता है, तो ऑथेंसिटी इसकी क्वेश्चनेबल है कि इसकी जो प्रामाणिकता है उस पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि दीज टेक्स्ट जनरली डिपिक्टेड ऑन द आइडलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, क्योंकि उस किताबों में इंडिया के जो आइडलाइज्ड जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। थर्ड जो लिमिटेशंस है कि ऑब्जेक्टिविटी इज क्वाइट मिसिंग इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। जो दो चीज़ें होती हैं मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूँ कि एक होती है ऑब्जेक्टिव व्यू और एक होता है सब्जेक्टिव व्यू, ठीक है। जब आप अपने चश्मे से देखें तो वो होता है सब्जेक्टिव व्यू, जो चीज़ जैसा दिख रहा है वैसा अगर आप देखें तो वो होता है ऑब्जेक्टिव व्यू। लाइक कि अगर आप वही ग्लास वाला एग्जाम्पल लिया जाता है कि जब आप जिस चीज़ को जैसा देखें, जैसे हाथी के सामने अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो हाथी क्या है, हाथी के सामने खड़ा और कर दिया जाए तो जिस एंगल में आपको खड़ा किया जाएगा आप उसी एंगल में चीज़ों को देखेंगे, तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी मिसिंग दिखती है और इस खुद का एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्टिविटी यहाँ पर ज़्यादा दिखती है। तो वेस्टर्न क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि दो काम हुए, या तो वेस्टर्न स्कॉलर्स काम किए या इंडियन स्कॉलर काम किया। वेस्टर्न स्कॉलर जो काम किया वो कॉलोनियल इंटरेस्ट में किया, उपनिवेशवादी इंटरेस्ट में किया, तो जो कॉलोनीज का कॉलोनी मतलब जहाँ ब्रिटिशर्स आके रहते थे, जहाँ जहाँ कॉलोनी बनाए, तो वो कॉलोनी के हित में अपना डिसीजन लिया। पर जो इंडियन स्कॉलर्स थे वो नेशनलिस्ट इंटरेस्ट में लिए, तो नोबडी एक्सप्लेन आवर सोसाइटी एज द सोसाइटी एग्जिस्ट, जैसा समाज रहता है उस आधार पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। ये लिमिटेशंस है एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, मींस की सब्जेक्टिविटी एंड कंट्राडिक्शन इंक्रीजेस। देयरफॉर एन अल्टरनेटिव टू इट फ्यू फील्ड व्यू एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच गॉट वाइड स्कोप एक्सेप्टेशंस इन इंडियन सोशियोलॉजी। तो जिस तरह से एंडोलॉजी आगे बढ़ा, क्लासिकल एंडोलॉजी आया, मॉडर्न एंडोलॉजी आया, फिर इसके इस पर क्वेश्चंस उठे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस पर लगे, और इसके फिर चीज़ों को दूर करने के लिए फील्ड व्यू और मार्क्सिस्ट अप्रोच का जन्म होता है। अब इस पर लोग काम करना शुरू करते हैं। तो डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस इंडोलॉजी ऑफर्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। पर इतने लिमिटेशंस के बावजूद भी जो एंडोलॉजी है वो हमारे भारतीय समाज के अध्ययन का एक नींव तैयार करती है, ठीक है। इसी नींव पे बाकी सारे पर्सपेक्टिव बेस्ड हैं। तो ये नींव का काम कौन किया है, एंडोलॉजी किया है, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्न इंडोलॉजी, अब आपने क्लासिकल इंडोलॉजी देखा, मॉडर्न इंडोलॉजी देखा, अब पोस्ट मॉडर्न इंडोलॉजी आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। देवदत्त पट्टनायक को हम सुनते हैं, रोमिला थापर को हम पढ़ते हैं, वेंडी डॉनगर को पढ़ते हैं, तो ये सारे पोस्ट मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट में आते हैं। इनके कंट्रीब्यूशन पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही मेरा मेन था टॉपिक। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझने के बाद से जितना डिटेल हो सकता था इंडोलॉजी के बारे में मैंने निकालने की कोशिश की है, कि आपका ये पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब अगले वीडियो में हम लोग कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर के मिलेंगे, जिसको जानना ज़रूरी है। जब हम इंडियन जो डिबेट्स है इंडियन सोशियोलॉजी को समझने के लिए, कि सोशियोलॉजी इन इंडिया होना चाहिए या सोशियोलॉजी फॉर इंडिया होना चाहिए या इंडियन सोशियोलॉजी होना चाहिए, उसको आप अपने इस डिबेट में आगे जो कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी है होगा उसमें आप समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही मैं चीज़ों को बताते चलूँ, आप मुझे सपोर्ट करते चाहिए। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए अब स्टॉप करते हैं वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।